शिवसेना के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद में संजय प्रभाकर ने शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी जो कि प्रवक्ता हैं उनसे खास बातचीत की। शिवसेना ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हम बात करते हैं शिवसेना के प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी से। प्रियंका जी, आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, बहुत सारे वादे किए हैं आपने। अच्छी बात है, वादा करना और एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम नए महाराष्ट्र की बात करते हैं और नए महाराष्ट्र में हमारी क्या सोच होगी, किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता का विकास होगा, उन सारे मुद्दों को हमने सामने रखा है। महिला सशक्तिकरण हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये हमारे नए महाराष्ट्र की सोच है और हम उसको ये काम। ये देखिए, अभी 5 साल से आपकी ही सरकार है, हालांकि उद्धव जी भी कई बार बोल चुके हैं कि इस सरकार में उनकी भूमिका जो है एक विपक्ष की तरह भी थी। जहाँ जहाँ हमें जनता की आवाज़ उठानी है हम उसको उठाते रहेंगे। शिवसेना को कोई उस बात पे रोक नहीं सकता, सरकार के अंदर हो सरकार के बाहर हो, हम जनता का ज्वलंत मुद्दा जो होगा हम उसमें भागीदारी बनेंगे और हमारे खुद के विचार हो सकते हैं। दो अलग राजनीतिक पक्ष हैं, एक कॉमन आइडियोलॉजी पे साथ मिले हैं, उसका मतलब ये नहीं है हम एक दूसरे की भाषा बोलने लग जाए। कांग्रेस एनसीपी अलायंस नहीं है कि एक भ्रष्टाचार करता था दूसरा साथ में वादा निभाता था। प्रखर हिंदुत्व का तो बिल्कुल रहेगा ही, दोनों की विचारधारा है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। हमारे मुद्दे सबके सामने हैं, जनता के सामने हैं। कभी हमने मैं कहती हूँ खौफ से राजनीति नहीं की है, बेखौफ होकर की है अपने। अच्छा देखिए, 10 रुपये में भोजन मिलेगा गरीबों को, 1 रुपये में जो है वो स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और लड़कियों को, छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड दिए जाएंगे, ऐसी कई योजनाओं का आपने वचन दे दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक साझा बीजेपी और आपका दोनों एक साझा घोषणा पत्र आना चाहिए था? देखिए, मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी का जब भी घोषणा पत्र आएगा, मैं मानती हूँ अगले 1-2 दिन में ही आ जाएगा, वो हमारे घोषणा पत्र के लिए सोने पे सुहागा ही होगा। रही बात सैनिटरी पैड्स की देने की, वो हम मुंबई में ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं वचन किया है, वचन पूर्ति ऑलरेडी मुंबई में हो रही है, हर स्कूलों में हो रही है। आने वाले समय में इसी मॉडल को हम महाराष्ट्र में लेकर जाएंगे। तो बाकी रही बात 10 रुपये के खाने को लेकर, अगर साथ ही साथ हम महिलाओं का रोज़गार बढ़ा रहे हैं, उनको बचत गठने का को शामिल कर इस योजना में शामिल कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ इससे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का निखार ही होगा। ये प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की प्रवक्ता हैं, बेखौफ है और बिल्कुल खुलकर बोलती हैं। इन्होंने साफ साफ सामने रख दिया है शिवसेना के विचार को। मुंबई से संजय प्रभाकर, R9 TV के लिए।